गोरखपुर। आज भागीरथी सांस्कृतिक मंच गोरखपुर द्वारा रैंप स्कूल शाहपुर गोरखपुर में वर्ष 2023 साहित्य का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी के विख्यात समालोचक एवं कथाकार प्रोफेसर रामदेव शुक्ल जी ने किया और मुख्य अतिथि रहे प्रोफेसर उपेंद्र कुमार जी। कार्यक्रम का सफल संचालन कवयित्री सरिता सिंह व मृत्युंजय नवल ने किया। कार्यक्रम में भागीरथी साहित्य सम्मान प्रोफेसर रामदेव शुक्ल के कर कमलों द्वारा गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में प्रदान किया गया, जिसमें भागीरथी सम्मान 2023 वयोवृद्ध कवि गिरधर करुण देवरिया को, भागीरथी भोजपुरी रत्न सम्मान 2023 गीतकार त्रिलोकी नाथ उपाध्याय को, भरतमुनि नाट्य सम्मान 2023 वरिष्ठ रंगकर्मी राजेश वर्मा को, देवर्षि नारद सम्मान 2023 वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश चंद को, कविवर देवेंद्र कुमार बंगाली सम्मान 2023 कवयित्री उषा कुमार को, कविवर गंगा प्रसाद भट्ट सम्मान 2023 वरिष्ठ कवि वागीश्वरी प्रसाद मिश्र को, बावला सम्मान 2023 डॉक्टर फूलचंद प्रसाद गुप्त को, उपन्यास का रांगेय राघव सम्मान 2023 डॉक्टर संजय मिश्र को, व्यवस्थित गद्य लेखन के लिए भागीरथी साहित्य रत्न सम्मान 2023 संयुक्त रूप से संस्मरणकार शशिबिंदु नारायण मिश्र और निरंकार शुक्ल को, भागीरथी साहित्य प्रागल्भ्य पुरस्कार 2023 त्रिपुरारी शर्मा अनाम एवं बद्री प्रसाद विश्वकर्मा सांवरिया को दिया गया। सम्मान समारोह के अंत में प्रोफेसर शुक्ल जी ने साहित्य की उपयोगिता और वरिष्ठ लेखकों के कर्तव्य पर प्रकाश डाला। सम्मान समारोह के तुरंत बाद जन साधारण को हिंदी साहित्य की आवश्यकता क्यों विषय पर वार्ता आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर अनिल कुमार राय और संचालन प्रमोद कुमार जी ने किया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ समालोचक कपिल देव जी ने भी गंभीरता पूर्वक विचार रखे। वार्ता की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर अनिल कुमार राय ने कहा कि विषय अत्यंत गंभीर है, इसके बहुत सारे पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। अति परिचयात अवज्ञा, जो विषय बहुत करीब होता है, इसके प्रश्नों की जो श्रृंखलाएं हैं। तदुपरांत कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि इम्तियाज समर व अध्यक्षता वरिष्ठ कवि त्रिलोकी नाथ त्रिपाठी चंचरी जी व विशिष्ट अतिथि उड़ीसा से पधारे वरिष्ठ कवि डॉक्टर राम कुमार झानिकुंज ने किया, जिसमें श्रीमती सत्यमवदा शर्मा, कीर्ति त्रिपाठी, अंजलि अरोड़ा खुशबू, पार्वती देवी गौरा, रीना मिश्रा, संतोष मिश्रा सोनी, सर्वश्री लालता प्रसाद चौधरी, कौशल किशोर मणि, सौदागर सिंह, हरे कृष्ण पांड्य, राम सुधार सिंह सेथवार, जगदीश खेतान सांवरा, प्रेमनाथ मिश्र, अरुण ब्रह्मचारी, सुभाष यादव, त्रिपुरारी शर्मा अनाम, सुरेंद्र मोर, निरंकार शुक्ल साकार, अर्शी बस्तवी, नूरुद्दीन नूर, बद्री विश्वकर्मा सांवरिया, सत्यनारायण पथिक आदि ने अपने काव्य प्रस्तुत किए। अंत में संस्था प्रबंधक सत्यनारायण पथिक ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। गोरखपुर से ईएन दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वक्त की तलवार से लड़ रही हूँ मैं, आइए मेरे साथ पढ़ते हैं कि वक्त की तलवार से मैं लड़ रही हूँ, हौसलों की गोद थामे बढ़ रही हूँ, और युद्ध की उल्टी लहर की वेग से मैं नौ बचाती आदमियों से तेज मैं कर किनारे भाग को करती ही जाती, निज नियति निर्माण भी करती ही जाती, और आसमां से बात खुलकर कर रही हूँ, आसमां से बात खुलकर कर रही हूँ, वक्त की तलवार लेकर कर रही हूँ। वाकई में लड़की के सामने जो परिस्थितियाँ होती हैं कि जन्म दे उसको जो है जन्म देने ना जन्म ना लिया जाए, इसके लिए मजबूर किया जाता है कि जब पता चलता है कि बेटी गर्भ में है तो गर्भ में उसको जो है गिरा दिया जाता है, और बहुत कठिन काम होता है ये जो है। और सुंदर कल की मैं भी साक्षी बनूँ, मैं चाहती कि सुंदर सा मृत्यु हो जाए। मंच पर आसीन परम श्रद्धे अतिथि महोदय, सभागार में उपस्थित सभी बंधुओं का और मित्र बंधुओं का तथा उपस्थित सभी सज्जनों का हृदय की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज का ये गरिमामयी शानदार समारोह जो भागीरथी संस्कृति मंच द्वारा आयोजित किया गया है, निश्चित हमारे समाज के लिए एक आईना है और आने वाले कल के लिए एक अपनी पहचान दे रही है समाज में। यह सराहनीय है, प्रशंसनीय है, वंदनीय है।
देखिए, समय बदलता जा रहा है, परिस्थितियाँ बदलती जा रही है और हमें इन्हीं परिस्थितियों में गुजर के रहना है, जीना है। मेरी एक सोच है, मैं कवि तो नहीं हूँ लेकिन साहित्य प्रेमी जरूर हूँ और चाहता हूँ कि समाज में ये साहित्य का संगम हमेशा अविरल बहता रहे, ये मेरी चाहत है। आप ही लोगों से मैंने कुछ सीखा है, समझा है, अपनी भावनाओं को इस मंच के माध्यम से शेयर करना चाहूँगा और मेरी समझ है, सोच है, जो सीखा आपने शेयर करना चाहेंगे। इस जमाने में किसी से वफा की उम्मीद मत रख, इस जमाने में किसी से वफा की उम्मीद मत रख, वो दौर कुछ और था, जब मकान कच्चे थे लेकिन आदमी सच्चे थे। परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आप इस जमाने में किसी से हमदर्दी की उम्मीद न रखें, बहुत प्यार से जख्म देते हैं शिद्दत से चाहने वाले। समय बदल चुका है, पहले मकान पत्थर को हुआ करते थे, अब आदमी ही पत्थर के हुआ करते। ये परिवर्तन का जो दौर है, एक चिंता का विषय, और इस चिंता को हम आप चिंतन करेंगे और समाज में सचेत करेंगे और इसके दायित्व तो हमारे कवि बंधुओं पर जाता है और मुझे लग रहा है कि हम सभी इस दिशा में अपनी दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए आप लोग को मेरे तरफ से हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। परिस्थितियां कितना भी विषम हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, एक मेरी समझ है। और इन्हीं परिस्थितियों में बढ़ते हुए ये कवि लोग, कवि बंधु समाज के हर परिस्थितियों में समाज को आईना दिखाया है, चाहे दिनकर का दौर रहा हो चाहे आज का दौर है। यह वाकई अनुसरण करने का विषय है। और अंत में ये कहना चाहूंगा, आत्मा छिन गया तो क्या, कोई और ढूंढ लेंगे। मैं वो परिंदा नहीं हूं जो उड़ना छोड़ देंगे। कोई रास्ता नहीं मिला तो क्या, कोई और ठिकाना ढूंढ लेंगे। मैं वो मुसाफिर नहीं जो चलना छोड़ देंगे। तो हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और यह कवि बंधुओं के दर्शाए हुए मार्ग पे चलकर समाज में अपनी दायित्व को निर्वहन करेंगे। इस कार्य में सभी लोग लगे हुए हैं, भागीरथी संस्कृति मंच के ये पथिक जी का भी योगदान है, उनको दिल के गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जो कार्यक्रम आज हो रहा है सत्यनारायण जी के भगीरथी प्रयास और छोटी मंच का नाम भी जो है भगीरथी मंच है, कि गोरखपुर के बारे में चार दुनिया बहुत दोस्तों ने देखेगा कि जिसे चाहत की दुनिया का दस्तूर कहते हैं, जिसे चाहत की दुनिया का दस्तूर कहते हैं, जिसे इल्म व अदब के हुस्न से भरपूर कहते हैं और जिसे सब लोग की मूलकता को मूल कहते हैं, सुना है सब उसे शान से गोरखपुर कहते हैं। आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। मित्रों, भागीरथी सांस्कृतिक मंच की स्थापना 1 अक्टूबर 1995 को हुई और 25 अक्टूबर 1998 कामता प्रसाद रसबिंदु जी की पुण्यतिथि के अवसर पर बलरामपुर हाल में पहला आयोजन हमने किया और पहला भागीरथी सम्मान बजमीय बासी चिरैया कोठी साहब को दिया गया, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपनी आवाज़ बुलंद की थी।
और रसबिंदु सम्मान उसी समय शुरुआत किया गया था। बाद में बहुत सारे सम्मान धीरे धीरे इसमें जुटते गए और वह एक श्रृंखला बढ़ती गई। इस वर्ष का भागीरथी सम्मान देवेंद्र बंगाली के समकालीन के नव गीतकार आदरणीय वयोवृद्ध वरिष्ठ नव गीतकार श्री गिरधर करुड़ जी हैं, जो सलेमपुर देवरिया से हमारे बीच पधारे हुए। मैं उन्हें बड़े ही आदर और अदब के साथ मंच पर बुलाना चाहता हूं कि वे आए और भागीरथी सम्मान से उन्हें आदरणीय शुक्ल जी के हाथों यह सम्मान दे करके हम कृतार्थ हों। आदरणीय गिरधर करुण, अगला सम्मान भागीरथी भोजपुरी रत्न सम्मान, जो सर्वप्रथम प्रभाकर द्विवेदी लंठ जी को प्रदान किया गया था 2018 में, तब से इस सम्मान को निरंतर दिया जा रहा है। इस सम्मान को इस वर्ष वरिष्ठ कवि एवं गीतकार श्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी चंचरीक जी को यह सम्मान दिया जा रहा है, जो हाटा कुशीनगर से हमारे बीच पधारे हुए हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करना चाहता हूं। आप मंच पे पधारे, आपका हार्दिक स्वागत। इसी क्रम में अगला सम्मान भरत मुनि नाट्य सम्मान, जो 2017 में शुरुआत किया गया। इस वर्ष यह सम्मान गिरीश रस्तोगी के साथ अपने नाट्य कर्म की शुरुआत करने वाले रंगकर्मी श्री राजेश वर्मा जी को दिया जा रहा है। मैं बड़े ही आदर और अदब के साथ उन्हें मंच पर बुलाना चाहता हूं कि वे आएं और अपना सम्मान लें। शायद उनके बीच उनके भतीजे अनुपम सहाय जी आए हुए हैं और निशिकांत पांडे जी आए हुए हैं। मैं दोनों को बुलाना चाहता हूं कि वे उनका सम्मान ग्रहण करें। इसी क्रम में पत्रकारों के लिए आद्य पत्रकार देवर्षि नारद को माना जाता है, उसी लिए इसका नाम देवर्षि नारद सम्मान कहा जाता है। और आज यह सम्मान करीब 4 दशक से पत्रकारिता जगत में अपनी धाक जमाए हुए, अपनी लेखनी से धाक जमाए हुए आदरणीय श्री अखिलेश चंद्र जी को दिया जा रहा है। मैं बड़े ही आदर और अदब के साथ उन्हें बुलाना चाहता हूं कि वे मंच पर आएं और अपना यह सम्मान ग्रहण करें। आदरणीय अखिलेश चंद्र जी। इसी क्रम में कई बार देवेंद्र बंगाली सम्मान का निर्णय इस वर्ष गोरखपुर की वरिष्ठ कवित्री एवं लेखिका, जो कृति कल्चरल संस्थान की अध्यक्षा भी हैं और निदेशिका भी हैं, मैं बड़े ही आदर और अदब के साथ उन्हें मंच पर बुलाना चाहता हूं कि वे आएं और यह सम्मान ग्रहण करें। आदरणीय उषा कुमार जी।
इसी क्रम में इस वर्ष का कामता प्रसाद रसबिंदु सम्मान हरिवंश शुक्ल हरीश जी को दिया गया है। शायद वे नहीं आए हैं अस्वस्थता की वजह से। अगला सम्मान गंगा प्रसाद भट्ट सम्मान वरिष्ठ कवि बागेश्वरी प्रसाद मिश्र बागेश जी को दिया जा रहा है। गंगा प्रसाद भट्ट जी गोरखपुर के बहुत ही पुराने कवियों में से थे और उनकी बहू किरण भरद्वाज जो कि बाराबंकी में रहती हैं उनके कहने पर यह पुरस्कार करीब 2021 से शुरुआत किया गया और यह सम्मान इस वर्ष बागेश्वरी प्रसाद मिश्र बागेश जी को दिया जा रहा है। वे आए और वे सम्मान ग्रहण करें। आदरणीय बागेश जी, इसी क्रम में 2022 में बावला जी की जयंती मनाई गई थी, तब राम जीवनदास बावला जी की शताब्दी वर्ष पर यह पुरस्कार शुरुआत किया गया। कई बार राम जीवनदास बावला सम्मान इस वर्ष भोजपुरी के क्षेत्र में एक अद्वितीय काम करने वाले डॉक्टर फूलचंद गुप्त जी को यह सम्मान दिया जा रहा कि वे आए और यह सम्मान ग्रहण करें। आदरणीय फूलचंद गुप्त जी, इसी क्रम में पिछले वर्ष आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल सम्मान शुरुआत किया गया था, जो इस वर्ष वरिष्ठ समालोचक एवं लेखक प्रोफेसर कृष्णचंद लाल जी को दिया जाना है और शायद वो भी नहीं उपस्थित हो पाए हैं। अगला सम्मान उपन्यास लेखन के क्षेत्र में रांगे राघव सम्मान विगत 2021 से शुरुआत किया गया और इस वर्ष वह डॉक्टर संजय मिश्र जो कुशीनगर से आए हुए हैं हमारे बीच में उनको दिया जा रहा है। उन्होंने उपन्यासों के लेखन में यह पांचवा उपन्यास उन्होंने लिखा है। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। वे आए और यह सम्मान अगला सम्मान भागीरथी साहित्य रत्न पुरस्कार जो इस वर्ष दो लोगों को दिया जा रहा है, श्री शशि बिंदु नारायण मिश्र जी को दिया जा रहा है जो उत्कृष्ट लेखन इस वक्त कर रहे हैं। मैं हृदय से उनका सम्मान ग्रहण करने के लिए मंच पर बुलाना चाहता हूं कि वे आए और सम्मान ग्रहण करें। भाई श्री शशि बिंदु नारायण मिश्र जी, इसी क्रम में यह इस वर्ष दूसरा पुरस्कार भागीरथी साहित्य रत्न पुरस्कार पंडित निरंकार शुक्ल साकार जी को दिया जाना है। वे आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। इसी क्रम में साहित्य की जो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं जिन्होंने नए कदम रखे हैं उनके भी प्रोत्साहन का ख्याल रखा गया है। इसी क्रम में इस वर्ष का भागीरथी साहित्य प्रागल्भ्य पुरस्कार श्री त्रिपुरारी सर्वानाम जी को दिया जा रहा है। उन्हें मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं। वे आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। त्रिपुरारी सर्वानाम जी, इसी क्रम में अगला सम्मान
भागीरथी साहित्य प्रगल्भ पुरस्कार श्री बद्री विश्वकर्मा सामरिया जी को दिया जा रहा है। वे आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। बद्री प्रसाद विश्वकर्मा सामरिया जी, और इस वर्ष से कुंदन वर्मा के जी के पिताजी की स्मृति में एक सम्मान शुरुआत किया गया, हीरालाल वर्मा चिकित्सीय सम्मान, जो कोरोना काल में अद्वितीय कार्यों के लिए समाज सेवा के लिए डॉक्टर श्री प्रेमचंद श्रीवास्तव गोरखपुर को दिया जाना है। शायद वे मंच अभी उपस्थित नहीं है, जब आएंगे तो उनको दे दिया जाएगा। धन्यवाद।